दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में उन चीजों को बनता हुआ दिखाऊंगा जिन चीजों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये बनता कैसे होगा और बखूबी सफाई के साथ। जी हाँ, वैसे तो रोजाना हम न जाने कितनी ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं और न जाने कितनी चीजों को हम यूज करके फेंक भी देते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि वो सभी चीजें जो हम यूज करते हैं वो कैसे बनती हैं और न जाने कितने लोगों की मेहनत इन चीजों को बनाने में लगती है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के साथ और आपको बताते हैं कुछ उन चीजों के बारे में कि वो बनती कैसी हैं। इनमें से कई चीजें तो आप रोज यूज भी करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी हमारे चैनल एंट्रापेंट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसके साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। नंबर एक, टूथब्रश मेकिंग मशीन। दोस्तों जिस टूथब्रश से रोजाना हम सुबह कुल्ला करते हैं उस ब्रश को बनाने का प्रोसेस बहुत बड़ा है। जी हाँ, इस ब्रश को बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक मटेरियल को मशीन में डालकर प्लास्टिक ब्रश फ्रेम बनाया जाता है और फिर ब्रश का फ्रेम बनने के बाद मशीन टूथब्रश में उसके प्लास्टिक के बाल बड़ी ही सफाई के साथ ब्रश होल में जल्दी जल्दी लगाती है, जिसके बाद टूथब्रश पूरी तरह से तैयार माना जाता है। नंबर दो, एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है ये मशीन सिलेंडर बनाने का काम करती है। जी हाँ, वही सिलेंडर जिससे हर रोज हमारे घर पर खाना बनता है। दोस्तों इस मशीन में सबसे पहले लोहे की चादर को काट कर उसे मशीन द्वारा आधे गोल कैप्सूल के आकार में काट लिया जाता है और फिर उसके बाद कैप्सूल के दोनों हिस्सों को मिलाकर बीच से वेल्ड किया जाता है। इतना हो जाने के बाद सिलेंडर के नीचे फुटप्रिंट्स को लगाने का काम होता है ताकि सिलेंडर जमीन पर खड़ा हो सके और उसके बाद सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है जिसमें उसका सील और ऊपर का गार्ड लगता है और उसके बाद इसमें छोटे मेटल प्लेट्स को काट कर और उन्हें चेक करके बनाया जाता है और फिर उसे भी सिलेंडर पर वेल्ड कर दिया जाता है और सबसे आखिर में सिलेंडर को कलर करने का काम किया जाता है, जिसके बाद सिलेंडर पूरी तरह से बनकर तैयार होता है। नंबर तीन, स्पोर्ट शूज मेकिंग मशीन। दोस्तों जूतों में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जूता स्पोर्ट जूता माना जाता है, मगर क्या आपको मालूम है कि वो बनता कैसे? नहीं ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये आखिर बनते कैसे हैं। दोस्तों स्पोर्ट शूज को बनाने के लिए सबसे पहले शूज के ऊपर एक कपड़े का कवर सिलाई मशीन द्वारा सिला जाता है और साथ में उसके ऊपर जो डिजाइन करना होता है वो भी सिलाई मशीन के द्वारा या फिर चिपका कर बना दिया जाता है, जिसके बाद शूज के ऊपर के कपड़े के कवर को कंपनी बने हुए सोल के ऊपर रखकर मशीन की मदद से उसे प्रेस करके चिपका देती है और फिर अंत में शूज में फीता डालकर उसे पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है, जिसके बाद ही जूता बिकने के लिए मार्केट में आता है। नंबर चार, टायर मेकिंग मशीन। दोस्तों गाड़ियों में इतने मोटे मोटे और भारी टायर लगे होते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि ये बनते कैसे हैं? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस मशीन में सबसे पहले रबड़ और केमिकल की चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है, जिसके बाद उस रबड़ को रोलर पर चढ़ाकर टायर के शेप में मोड़ दिया जाता है और उसके बाद उस ट्यूब रबड़ पर एक मोटे रबड़ की लेयर को भी चढ़ा दिया जाता है, फिर सबसे आखिरी में उसे एक बड़े मोल्ड में रखकर और फिर उसे जोर से दबाकर प्रेस कर दिया जाता है, जिसके बाद बड़े वाहनों के टायर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। नंबर पाँच, मैचस्टिक मेकिंग। दोस्तों माचिस की तीली बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ के कटे हुए छोटे से टुकड़े को मशीन पर डालकर उसकी पतली परत निकाल ली जाती है और फिर लकड़ी की इस पतली परत के टुकड़ों को तीली के छोटे छोटे साइज में काट कर माचिस की तीली बना दिया जाता है। उसके बाद मसाले का एक पेस्ट बनाकर उसे सांची में लगी हजारों तीलियों में डुबा दिया जाता है और फिर इन तीलियों को सुखाकर माचिस के डिब्बे में भरकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर छह, कॉइन्स मेकिंग मशीन। दोस्तों आज के समय में पैसा तो हर किसी की जरूरत है, मगर हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि आखिर पैसा बनता कैसे है और इसमें आखिर ऐसी क्या बात है कि इसको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और तो और आज जब करोड़ों का जमाना है तो हम करोड़ों के बारे में सोचते हैं, यानी कि खरे खरे नोट। मगर दोस्तों एक जमाना वो भी था जब सिक्कों से काम बन जाया करते थे और उस वक्त सिक्का किसी के पास होना बहुत बड़ी बात होती थी। चलो एटलीस्ट इनके पास इतना तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भले ही लोग इन सिक्कों की वैल्यू भूल गए हों, मगर इन सिक्कों को बनाने का प्रोसेस बहुत तगड़ा है। जी हाँ, आपको बता देता हूँ कि सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले उसको बनाने वाली मशीन में एक खास तरह के मेटल के क्रिस्टल डालकर सिक्कों को बनाया जाता है। जी हाँ, मशीन इन क्रिस्टल्स को पिघला कर एक लंबी और मोटी मेटल प्लेट की ब्लेड बनाती है और फिर इसके बाद ये मशीन इस ब्लेड से गोल कॉइन का साइज एक के बाद एक काटती चली जाती है,
जिसके बाद अंत में फिर इन सिक्कों की क्वालिटी चेक करके इन पर पॉलिश कर दी जाती है और फिर इन कॉइन्स पर जिस भी रुपीज की मुहर छापनी होती है वो ये मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेशर से छाप देती है और इस तरह पूरी तरह से सिक्का बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।